इस वक्त की बड़ी खबर रीवा से है, जहां केंद्रीय जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 302 के 29 कैदियों को रिहा किया गया है, जिसमें से 27 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश शासन ने 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती, अंबेडकर जयंती के दिनों पर कैदियों को रिहा करने का आदेश जारी किया है। उसी कड़ी पर आज गांधी जयंती के अवसर पर आजीवन कारावास सजा काट रहे 29 कैदियों को रिहा किया गया है। रीवा केंद्रीय जेल अधीक्षक SK उपाध्याय ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, जिन 29 कैदियों को रिहा किया गया है, उनमें से 27 पुरुष कैदी हैं और 2 महिला कैदी हैं। यह सभी कैदी आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। कैदियों को जेल से छूटने के बाद उनके चेहरे पर खुशी नजर आई। वहीं रीवा केंद्रीय जेल में जेल अधीक्षक SK उपाध्याय ने सभी कैदियों को माला, श्रीफल और मिठाई बांट कर विदा किया। आपको बता दें, इन कैदियों में से कुछ कैदी ऐसे भी हैं जिन्होंने जेल के अंदर अपना नाम रोशन किया है, जिसमें से एक महिला कैदी ने अंदर सिलाई का काम किया तो दूसरा पुरुष कैदी ने पेंटिंग का काम किया। वहीं एक पुरुष कैदी ने जेल के अंदर पंडा बनकर पूजा पाठ का कार्य किया। आइए हम आपको सीधा ले चलते हैं रीवा केंद्रीय जेल और सुनाते हैं केंद्रीय जेल अधीक्षक SK उपाध्याय और कैदियों का क्या कहना है। 15 अगस्त और 26 जनवरी की तर्ज पर शासन की अभी जो नई पॉलिसी 22 सितंबर 2022 से बनी हुई है, उसके तहत अब कैदी साल में 4 अवसरों पर रिहा होंगे। 26 जनवरी, 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर गांधी जयंती। आज 2 अक्टूबर को शासन की नई पॉलिसी के तहत केंद्रीय जेल रीवा से भी 29 कैदी रिहा हो रहे हैं। इसमें 27 पुरुष कैदी हैं और 2 महिला कैदी हैं। ये सभी कैदी आजीवन कारावास की सज़ा भुगत रहे थे। इन कैदियों ने 14 साल सूखे और 6 वर्ष माफ़ी, ऐसे करके कुल 20 साल कंप्लीट कर लिए हैं। जो शासन की नई पॉलिसी है, उसके तहत ये निर्धारित मापदंडों पर खरे उतरे हैं। शासन से कल इनकी रिहाई का हम लोगों को रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उसी के तहत हम इनको आज केंद्रीय जेल रीवा से रिहा कर रहे हैं। इन कैदियों ने इन 14 वर्षों के दौरान, जेल में रहने के दौरान जो भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उससे ये अपने परिवार के साथ खुद का और परिवार का भरण पोषण करेंगे, साथ ही साथ शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे, समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित होंगे। हम लोगों ने इनको यही संदेश दिया है कि दोबारा अब कोई ऐसा कृत्य ना करें, कोई ऐसा अपराध ना करें जिससे पुनः उनको इस जेल में आना पड़े। थैंक यू। ज़्यादातर कैदी का है क्या सर? सभी कैदी आजीवन कारावास के कैदी हैं, सभी 302 के कैदी हैं। ये सभी कैदी जो है 20 साल अपने कंप्लीट कर चुके हैं। क्या नाम है आपको? मनोज शुक्ला। बताइए, कब से आप यहाँ सजा काट रहे हैं? 2004 से। 2004 से। आज आपकी रिहाई हो रही, कैसा आपको महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। क्या आप मतलब कुछ काम भी करते थे? हाँ, मैं चलाते थे पाकशाला में। पाठशाला का काम? पाकशाला, खाना भोजन यहाँ बनता था। कौन से काम? उसमें क्या काम होता था? वहाँ बंदियों को भोजन बनता था, वही बनवाते थे। चाचा, क्या नाम है आपका? पड़सू पाव। कब से आप जेल के अंदर सजा काट रहे थे? यह 7 मार्च 2007 का काटा था। लगभग 15 साल हो गए। हाँ, 15 साल हो गए। पूर्व बार कौन सी सजा काट रहे थे आप यहाँ? 302। आज आपकी रिहाई हो रही, कैसा लग रहा? हाँ, ठीक लगा थे। अब आगे जाकर क्या करेंगे आप? क्या कर दाऊ, खेती किसानी तो है ही है, बनी मांग जाएगी। कमलेश सिंह। कब से सजा काट रहे थे आप? 2007 से। बहुत अच्छा। काहे पे आप अंदर आए थे? 302 में। 302 में आए थे। आज आपकी रिहाई हो रही है, किस तरह आपको महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लगा। गांधी जयंती के लिए बहुत अच्छा। आप अंदर पेंटर का भी काम करते थे? जी। क्या क्या चीज़ आपने अंदर की थी पेंटर? बिजली का काम भी जानते हैं और पेंटिंग का भी जानते हैं। अंदर किए थे आप? संतोष शुक्ला। बताइए, कब से आप यहाँ सजा काट रहे हैं? 26 सितंबर 2004 से। किस तरह आपको यहाँ पर हो रहा है? बहुत अच्छा रहा है। आज आपकी रिहाई हो रही है? आज रिहाई हो रही है और ये सभी जेल प्रशासन के कर्मचारी, अधिकारी कर्मचारी सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और माननीय केंद्रीय जेल रीवा के सभी कर्मचारियों ने यहाँ गणेश भगवान की पहले बार स्थापना की और गणेश भगवान पूरे विघ्नों को नष्ट करते हुए अब माता जी के आने पर सभी बंदियों की रिहाई हुई। तो अब आज आपकी रिहाई हो रही है? आज मेरी रिहाई, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 18 वर्ष के करीब जा रहा हूँ
18 वर्ष से 11 माह 23 दिन। प्रेमिया बाई नाम है। कब से आप यहाँ सजा काट रही हैं? मैं 2009 में आया हूँ यहाँ। 2009 में? हाँ, सजा पढ़ के 2005 में बंद रहा हूँ शहडोल जेल में, फिर वहाँ से यहाँ सजा पढ़ के आया हूँ मैं। यहाँ 12-13-14 साल में सजा काट हुआ, अच्छी से रहा मैं और रिकॉर्ड सही रहा, और साहब अच्छी देखभाल करत रहे, नंबरदार पुरान रहा, मैं महिलान का बहुत देखभाल करत रहा, खाना से पीना से गोली दवाई से सब चीज़ से सेवा जतन करत रहा मैं, साहब खूब मानत रहे वही। आपके बच्चे हैं? हाँ, कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे रहे, एक बच्चा मोर यहाँ ख़त्म होएगा है जेल में, जेल के अंदर। यहाँ से जाने के बाद आप क्या करेंगे? सिलाई कढ़ाई करूँगी, खेती किसानी करूँगी। जेल में क्या कोई सुविधा थी? हाँ, सिलाई कढ़ाई भी करत रहे, सब कुछ चूड़ी कंगन सब बनावत रहें,